बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 1.210 क्लास मैथ हम कर रहे हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। इसके हमने कर लिए थे 9 पार्ट पिछली वीडियो में, ये किसका पार्ट रह गया था। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 शुरू करेंगे। ये इसका लास्ट पार्ट था फर्स्ट क्वेश्चन का। माइनस एल प्लस एम माइनस एल एक्स टू प्लस टू एल प्लस एम इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, तो इसको कहते हैं सॉल्व करें क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करके, जैसे पिछले हमने 9 सॉल्व किए थे क्वाड्रेटिक फार्मूले से। क्वाड्रेटिक फार्मूले का आपको बताया था वो इक्वल होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और सारी रकम के नीचे लगाएंगे टू ए। तो इसको लगाएं पहले तरतीब, सबसे बड़ी पावर ये है एक्स पावर टू, इसको सबसे पहले लिख लें माइनस एल एक्स टू, फिर एक्स वाली वैल्यू लगाएं। इसकी एक्स की पावर वन है, जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी वन पावर होती है। फिर इसकी बारी आ गई टू एल प्लस एम इंटू एक्स, फिर ये कांस्टेंट आ गया जिसके साथ एक्स नहीं होता, वो कांस्टेंट वैल्यू है एल प्लस एम इज इक्वल टू जीरो। तो हमने इसको तरतीब लगा लिया। तो पिछले क्वेश्चन में हमें तरतीब ज्यादातर क्वेश्चन में लगी लगाई मिल गई थी, हमें तरतीब लगानी पड़ी है। सबसे बड़ी पावर लिखेंगे एक्स पावर टू, फिर एक्स पावर एक वाली वैल्यू लिखेंगे, फिर जिसके साथ एक्स नहीं है वो लिखेंगे। तो इसमें पहली रकम के साथ देखिए माइनस आ गया, तो बेहतर है इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई कर लें ताकि ये वाला माइनस यहाँ खत्म हो जाए, तो हमें जरा ज्यादा आसानी हो जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तब भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैं इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ क्योंकि पहली रकम के साथ माइनस आ गया है। मल्टीप्लाइंग बाई माइनस वन, तो माइनस वन से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे सारी रकम को, तो ये इसकी लंबाई चेंज हो जाएगी। माइनस माइनस प्लस हो गया, वन से मल्टीप्लाई करके इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एल एक्स टू हो जाएगा, लंबाई चेंज हो जाएगी। ये वाला प्लस जो है प्लस माइनस माइनस हो गया, वन से मल्टीप्लाई करके इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसकी जो लंबाई है वो प्लस थी, अब वो बन जाएगी माइनस। ये वाली प्लस जो है माइनस बन गई, तो बाकी बचा आपके पास टू एल प्लस एम इंटू एक्स। इस माइनस वन को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, वन से मल्टीप्लाई करके इसको कोई फर्क नहीं पड़ना, और ये आपका एल प्लस एम आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू जीरो। जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने जो ब्रैकेट के अंदर इलामत है उनको नहीं मल्टीप्लाई करना, जो ब्रैकेट्स के दरमियान इसके दरमियान दो रकमों के दरमियान जो इलामत है वो चेंज करना, दो रकमों के दरमियान जो इलामत है वो चेंज करना, ये नहीं करना कि आप इनको भी चेंज कर दें। अब देखें क्वाड्रेटिक फार्मूले से हमने इसको सॉल्व करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। एक्स टू के साथ जो वैल्यू होती है उसको हम ए कहते हैं, एक्स टू के साथ एल है ये हमारा ए होगा, फिर जो एक्स के साथ वैल्यू होती है ये वाली सारी, ये आपका बी बन जाएगी। बी आपको मिला माइनस टू एल प्लस एम, और ये जो होती है इसको हम कांस्टेंट कहते हैं सी, ये हमारा सी बन गया एल प्लस एम। इसको उठा के इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में लगा दें, अपने क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको सॉल्व करना है, वो कह रहा था इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करें। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए, इसमें लगा दें वैल्यूज, ये बन जाएगा आपका माइनस बी। तो बी की जगह पर हमने ये लगाना है, तो ये एक माइनस इसके साथ मौजूद है एक उसका आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी की जगह पर ये आ गया टू एल प्लस एम। बाहर जो माइनस था एक माइनस इसका है एक ये यहाँ पर मौजूद है फार्मूले में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैंने इसको प्लस लिख दिया अंडर रूट बी स्क्वायर बी स्क्वायर, इस सारी का स्क्वायर करेंगे तो ये है माइनस टू एल प्लस एम, तो ये इस तरह से बनेगा सारी का स्क्वायर ऐसे। तो स्क्वायर जो होता है वो इस माइनस को खत्म कर देगा, बाकी आप इसको लिख सकते हो टू एल प्लस एम का स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो टू एल प्लस एम का स्क्वायर, क्योंकि जो स्क्वायर जब लेंगे ना इसका, तो ये माइनस जो है खत्म हो जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा। बाकी आया माइनस फोर ए सी, माइनस फोर ए की जगह पर एल लगाएंगे, फोर ए की जगह पर एल आ गया सी, सी की जगह पर आपने ये लगा देना एल प्लस एम आपके पास मौजूद है, जो जो वैल्यू जहां जहां पर आती थी वहां पर हमने लगा दी। नीचे आ गया टू ए की जगह पर ये एल आ जाएगा टू एल, ये आपका बन जाएगा टू एल प्लस एम प्लस माइनस, इसका स्केयर खोल लें, दो रकम में प्लस हो रही है उनका स्केयर है, ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, दो रकम में प्लस हो रही है उनका स्केयर हो तो उसको कैसे खोलते हैं, पहली रकम का स्केयर करते हैं प्लस दूसरी जो रकम होती है उसका स्केयर करते हैं और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा टू ए बी। तो यहाँ पर देखें ये आ जाएगा पहली रकम का स्केयर, दो एल का स्केयर क्या होगा, दो का स्केयर चार, एल का एल दो, ये आ गया पहली रकम का स्केयर, फिर हमें लगाना है प्लस दूसरी रकम का स्केयर, प्लस दूसरी रकम इसमें एम है उसका स्केयर, प्लस दूसरी रकम का स्केयर, फिर यहाँ पर प्लस है, तीन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दो को दो एल को और एम को, दो और दो चार, चार एल एम ये बन जाएगा आपका, चार एल एम ये आ गया। इसको माइनस चार एल को अंदर मल्टीप्लाई करें, एल और एल, एल पावर टू हो जाएगा, माइनस फोर एल टू, पावर प्लस हो जाती है एक जैसी रकम में, एल एल से मल्टीप्लाई होगा तो एल पावर टू हो जाएगा, ये होगा प्लस माइनस माइनस फोर एल एम, फोर एल एम अंदर मल्टीप्लाई करने से ये चीज होगी, ये बनेगा आपका टू एल प्लस एम, ये आपका बन गया टू एल प्लस एम प्लस माइनस
अंडर रूट, ये देखें ये आपका पॉजिटिव है 4LM है, ये नेगेटिव कट गया, पॉजिटिव 4L2 और नेगेटिव 4L2 भी कट गया, बाकी सिर्फ आपको मिला M2, M square मिला, divided by 2L. X की दो वैल्यूज आपके पास आ गई, 2L plus M, ये वाला 2L plus M, ये वाला, और इसको स्केयर जो है वो जज के साथ कट जाता है, तो बाकी आपके पास रहेगा प्लस माइनस एम डिवाइड बाई 2L. तो L की दो वैल्यूज हमारे पास आ गई, एक 2L plus M plus M के साथ और एक 2L plus M minus M के साथ. इसकी दो वैल्यूज बना दें, x is equal to 2L plus M plus M, ये आ गया 2L plus M plus M divided by 2L, और एक माइनस वाली के साथ 2L plus M minus M, x is equal to 2L plus M minus M divided by 2L. इसको जिस हिसाब कर लें, ये आ गया आपके पास 2L M plus M 2M हो गया divided by ये 2L आ गया, तो x is equal to 2 हमें नजर आ रहा है ऊपर से कॉमन, बाकी रह गया आपके पास L plus M divided by 2L, दोनों के साथ मौजूद था कॉमन आ गया भाग, तो ये वाला 2 कॉमन है इसके साथ काट सकते हैं. अब यहाँ पर इस 2 को इसके साथ, इस 2 को इसके साथ नहीं काट सकते क्योंकि ऊपर दो रकम प्लस हो रही है, कॉमन लेंगे तो फिर आप काट सकते हैं, दो कॉमन आया तो अब ये इसके साथ काट सकता था, तो मिला आपको एल प्लस एम डिवाइड बाई एल, और इधर से देखें इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस एम माइनस एम कट गए, तो आपको मिला 2L डिवाइड बाई 2L, ये दोनों एक जैसी वैल्यू में कट गई, तो आपको एक्स की वैल्यू मिल गई 1, एक्स आपको मिला 1, तो आपके पास बन गया x की दो वैल्यूज आपके पास आ गई, एक आ गई आपके पास ये पॉजिटिव 1 और एक आपके पास आ गई है ये l plus m divided by l. तो ये हमने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करके सॉल्व कर लिया. नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे 1.3. इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें अगर हो सके.